लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कोलार नगर रेहबत नगर प्रीतिया अण्ण तम्मंदिरु अक्क तंगियरु तायंदिरु सोदर मित्ररु कूड़ा स्वतंत्रोत्सव 75ने अमृत महोत्सव शुभाशय सदर्भदल्लि ಕವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಏಸಾದರು ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯವಾದಂತ ಅಫ್ಜಲರು ಕೆಎಸ್ ಬಾಬಣ್ಣರು ಉಮರರು ಯಾರಪ್ಪರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಅಬ್ರೋಸ್ ಪಾಷಾ ನಯಾಜರು ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಪ್ಪಂನಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ 007 पॉइंट कार्यक्रम आयोजित पोलिस इलाके माध्यम मित्र स्वागत मत सुस्वागत बयस भारत देश अखंड भारत देश नावेलू जाति मत भेद हिंदू मुसलमान क्रैस्त नावेलू वे कोलार कोलार शांति नेमदि हेसरुवासी कोलार अंत अद्भुत कोलार दिवस तुम्बा अद्भुत कवल नीता है दर्गा अल्लाह आशीर्वाद एलू आशीर्वाद पड़ता नावेलू हेग अन्नो निम्म यावुदे कष्ट सुख नो नले सीएमआरसी जो निर्तन जो निल आशीर्वाद प्रीति जो मुझे नमेल प्रीतिया बलिष्ठ कोलार स्वाभिमान कोलार कटो नावेलू वे नम अण तम नानुम जो सदा याद कष्ट सुख नो नोने सदा इतने निम्ल प्रीति इले मुझे नावेलू वे वक्त दुड़ोण कोलार निर्माण मांगल ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸತ್ತರ್ ಪರ್ ಸಾಲ್ ಮೇ ಮುಬಾರಕ್ ಬೋಲ್ನೆ ಕಾ ಸಾಥ್ ಮೇ ದೋ ತೀನ್ ಸಾಲ್ ಸೇ ಕೊರೋನಾ ಕಾ ವಜಹ ಸೇ ಕೋಯಿ ಭೀ ಘರ್ ಮೇ ಬಾಹರ್ ಆ ನಹೀ ಸಕ್ಯಾ ಆಜ್ ಕಸ್ತಿ ಸೇ कवालदार का कवाल सुनेंगे कर दो सब कौन मेरो नौजवान आज आके जो हाजिर हो इस समय में इतना 75 साल हो के आजाद बनकर भी हमारा गली सुधरा नहीं हमारा रस्ता सुधरा नहीं हमारा नाला सुधरा नहीं इस 2 महीने के पहले बारिश हुआ आधी रात में अन्ना करके गली गली गांव घर घर में आके देखने गया सो आप सब लोग को याद रहेगा 15 दिन के पहले भी आपको क्या हुआ करके आपको पता चल जाएगा। ये हटाने के वास्ते करीब आने वाला इलेक्शन में नया कोलार बनाने का दिन रात सब जगह में घूमने को गरीबों को रास्ते नाले लेटा वो हम 500 को बिकने का तैयार नहीं है वो सभी चला गया। आज नौजवान आ चुका है सब चला करके गली से बदलने का समय आ गया। न्यू कोलार निर्माण का नौजवान सब आधी रात में जाकर बुलाए थे बगल गली में घर बगल गली में मार्केट हमारा नौजवान आ कितने लोग उनके मार्केट में काम करने वाला है। इस समय में काजा गरीब नवाज दरगाह दुआ से अन्ना बागला साहब सब पाया मैंने नौजवान मिलके लड़के एमएलए बना के दरगाह पर जाकर दुआ देना पड़ेगा तुम पूरे इस समय नजदीक में है तुम साथ साथ में करके अन्ना को दुआ दिया तो कभी भी तुम आ सकता है घर में बुला सकते हैं अपने भाई के जैसे अपने घर के बच्चे जैसे सब आप लोग को पूरे ये दरगाह का मुबारक बोलने के लिए सीएमआर चिरंतन आ चुका है
सबको भी मुबारक बोलने के लिए आ चुके हैं। सब उनकी बात सुनना करके जो नजाम आपको पूरे निवेदन कर रहा है, आपको तकलीफ देने को तैयार नहीं है। कवाली सुन लेकर आगे कवाली जल्दी जल्दी चालू हो जाएगा। हमारे जी बनकर सीएम आर श्रीनाथ और गरीबों के हमदर्द सीएम आर श्रीनाथ लाकर है। भाई और बहनों से आदि से मैं गुजारिश करता हूँ कि ध्यान से सुने। आपके मोहल्ले में हर बार बारिश होती है, घरों में पानी घुस जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं आता था। पिछले छह में तीन चार महीने पहले भी एक बार बारिश आई तो शांति नगर और अहमद नगर के एरियो में पानी घुस गया था और करंट ग्राउंड हो रहा था। उस टाइम पर सीएम और श्रीनाथ 11 बजे आते हैं तो 3 बजे तक गश्त करते हैं, पानी में खूब तैरते रहते हैं। उस टाइम पे हिताची लगाकर नारे डालते था, पानी से 7 लाख रुपया खर्च आया जेब से। फिर 15 हफ्ता पहले 10 दिन पहले बारिश हुई, पानी घुस गया था। उस टाइम में भी ये गली कूचों में घुसकर सीएम आर श्रीनाथ अन्ना गश्त करे, छह दिन फिर पाक करवाए। ऐसे सीएम आर श्रीनाथ अन्ना जो आए कौम के लिए, हमारे कौम के लिए जो दिल खोल कर आते हैं, काम करते हैं, ऐसे उर्स की जगह पे कवाली के लिए इंतजाम करवाते हैं, हर मुसलमान के लिए काम करने आगे बढ़ के आते हैं। ऐसे सीएम आर अन्ना को साथ में लेके आए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनको मौका मिलेगा और भी ये गली एक अच्छी गली बनेगी और ये खूबसूरत गली बनेगी इंशाल्लाह रहमत नगर। और अच्छी अच्छी गली बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, एक नया कोलार बनाएंगे। मेरे भाई सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब लोग सीएम आर श्रीनाथ को ना बोले, क्योंकि वो आधी रात में आगे काम करवाने आ रहे हैं। और कोई गरीब बच्ची की शादी के लिए काम करता है, कोई गरीब हॉस्पिटल में है, बीमार है, तो उस तक चलकर जाकर कभी कोई उस तक चलकर बिल क्लियर करके लाते हैं सीएम आर श्रीनाथ। कभी फोटो नहीं डालते, कभी किसी को बुलाते नहीं। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।